ये देखिए गाइस, भजिए तले जा रहे हैं। यहाँ पर मम्मी भजिए तल रहे हैं और यहाँ मम्मी ने कड़ी रेडी कर दी है और यहाँ अंडे का सालन सब मम्मी ने रेडी कर दिया। बस भजिए तल के डालेंगे उसके अंदर और सिर्फ चावल बनाना बाकी है, बाकी सब हो गया। इन सब का ब्रेकफास्ट हो गया है, सब लोग अपने अपने काम धंधे पे लग चुके हैं सिवाय मेरे। मेरा अभी तक ना ब्रेकफास्ट हुआ है ना कुछ हुआ है। अभी अब्बा नमाज पढ़ने गए, अभी अब्बा नमाज के लिए वजू करने गए और मैं जा रही हूँ अभी झाड़ू मारने और फिर मैं खाऊंगी कढ़ी और रोटी। इसके लिए मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि जब अभी ऑलमोस्ट कढ़ी बन ही चुकी है जबरदस्ती का ब्रेकफास्ट करके पेट को क्यों भरने का। जुम्मा है, कढ़ी खा लेना। हाँ आज फ्राइडे भी है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे नहीं उठने का नतीजा। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। ये मम्मी ने मेरे लिए इतने सारे बर्तन जमा करे। मैंने किचन रात में पूरा साफ करके सोई थी, पूरा साफ था। अभी खाना मैंने बना दी तो सोचो मम्मी ने खाना बनाने में कितने बर्तन यूज किए होंगे, सोचो आप लोग। अरे तो खाना बन गया, नाश्ता हुआ हम लोग का तीनों का और फिर उसको टिफिन दिए अपरार को। हाँ फिर वो काम पे गया तो उसको टिफिन दी, वो सब है ना तो उसका बर्तन निकलेंगे ना। और बट भाई की टिफिन तो मैंने धो दी थी रात में, उसकी टिफिन तो है नहीं इसमें। टिफिन नहीं है, टिफिन बना के जो दिए तो उसके सब बर्तन भी तो है ना। ये बात है, वाह वाह। मतलब मेरी परेड अच्छी खासी अम्मी ने लगाने के तरीका ढूंढ रखे है। अब मैं जा रही हूँ पहले झाड़ू मारू फिर कुछ खा के बर्तन लूंगी मैं। तो देखिए गाइज, ये कढ़ी बन गई है। अब कढ़ी बन गई है हमारी, पकोड़ा कढ़ी बनी है और अंडा कढ़ी बनी है, क्योंकि अंडा कढ़ी इसके लिए बनाई हूँ क्यों मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कढ़ी, तो हम लोग सिर्फ पकोड़ा कढ़ी खाएंगे हम लोग तीनों जन, यानी मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, तो खाएंगे अंडा कढ़ी। तो बस तो इसी तरह हम लोग बनाते हैं। पहले भी मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, कढ़ी की और अंडा कढ़ी की भी कर चुकी हूँ, तो मैंने इसके लिए पूरी वीडियो नहीं मैंने बनाई, इसकी रेसिपी नहीं बताई। तो बस अपने थोड़ा सा बस काम मैंने आपको बता दी क्योंकि आज जुम्मा है, तो मैंने सोचा कि बता दूँ। मेरा आज काम जल्दी हो गया मेरा पकाना। अब गुड़िया उठी है तो गुड़िया का देखो, गुड़िया अब नाश्ता करेगी, नाश्ता करने के बाद में गुड़िया का काम शुरू होएगा फिर बस। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह करम है हम लोग भी ठीक है आप लोग की दुआ से। और आज जुम्मा है तो जुम्मा मुबारक आप लोग सबको, हमारी तरफ से, हमारी गुड़िया की तरफ से, मेरी तरफ से, तो आप लोग को जुम्मा मुबारक। तो बस आज जुम्मा है बोल के आपको जुम्मा मुबारक करने के लिए खास ये वीडियो बन रहा है। तो बस हम लोग की नमाज हो गई है और नमाज पढ़िए आप लोग भी। नमाज के बाद आप लोग दुरूद शरीफ की तस्बीह भी पढ़ा करिए। नमाज जुम्मा की नमाज जो पढ़ते, जुम्मा की तो नमाज औरतों पे तो है नहीं, खैर औरतों लोग को तो जो है रेगुलर जो पढ़ते हैं मतलब रोज़ की नमाज वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मा के दिन खास करके दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए हज़ार मरतबा। हज़ार मरतबा नहीं पढ़ सकते तो उठते बैठते पढ़ते रहिए, 313 मरतबा तो पढ़िए दुरूद शरीफ। तो बस आज हम लोग खाना भी बन गया था और नमाज भी हो गई, तो अभी खाना हम लोग ने तो खाए, खा के हम लोग नमाज पढ़े। आज जल्दी हो गया था, खाना बन गया था मेरा, तो मैंने बोली चलो खाना खा लेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे, तो हम लोग ने खाना खाए फिर नमाज पढ़े। तो अभी मेरे हस्बैंड तो खाना नहीं खाए, वो नमाज वो गए तो फिर अभी आए नहीं, मतलब अभी आएंगे तो वो खाना खाएंगे। तो ठीक है, हम लोग की नमाज हो गई, हम लोग खाना भी हो गया, अभी बस फिर आप लोग से फिर मिलते हैं। फिर क्या अभी घर में और कुछ है तो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए, अभी चाय बन रही है, शाम का टाइम है, अभी 6 बज रहे, चाय बन रही है हमारी और चाय पियेंगे अभी हम लोग। तो बस और अब मैं ये वीडियो यही एंड करूँगी। तो गाइस देखिए, मैं तो अभी हम लोग आज का जुम्मा माशाल्लाह से अच्छा से गया और हम लोग अभी सो के भी उठ गए, एक नींद मार के उठी हूँ मैंने तो, और फिर चाय चढ़ाई हूँ तो चाय भी बनने में आ गई है। बस तो अभी हाथ मुँह धो के, मुँह धोने का बाकी है, ऐसे ही मैंने उठी और मैं बोली चलो चाय चढ़ा दूँ फिर उसके बाद में
आपसे बात कर लूँ थोड़ा। तो मैंने बोली चलो ठीक है। तो अभी बस मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और आप लोग को करनी है सिर्फ चार चीज़ें, लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब हाथ बढ़ा के करिए। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब हाथ बढ़ा के करिए। और ये वीडियो यहीं मैं एंड करती हूँ, आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए शेयर करिए। ठीक है गाइस, चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। अभी हमें असर की नमाज़ भी पढ़नी है। ठीक है गाइस, चलिए अल्लाह हाफिज़।